हेलो फ्रेंड्स, सो कैसे हो सारे? होप सो सारे अच्छे होंगे। सो अभी हम जा रहे हैं बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाने, क्योंकि यहाँ पे ना विदाउट बैंक अकाउंट एंड विदाउट BSN नंबर होता है, यहाँ पे एक टैक्स नंबर होता है, उसके बिना ना यहाँ पे कोई जॉब नहीं देता आपको। सो हम अभी जा रहे हैं बैंक अकाउंट ओपन करवाने, क्योंकि लास्ट वीक हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। सो रजिस्ट्रेशन क्या बैंक अकाउंट खुलवाया था हमने, मतलब हमने अपने साइड से तो यही बोला था कि हाँ बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, और उसने भी यही बोला था कि हाँ बैंक आपका हो गया ओपन, 4 से 5 दिन में आपके घर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके डिलीवर्ड हो जाएंगे। सर पूरा वीक निकल गया पिछला, कोई डॉक्यूमेंट डिलीवर्ड नहीं हुआ। तो कल बैंक गए फिर हम चेक कराने के लिए क्या स्टेटस है, तो उन्होंने बताया कि ये तो आपके पास रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी बैंक अकाउंट ओपन हुआ ही नहीं है। फिर उसने बोला कि कल आना आप और सुबह आ जाना, 10 बजे बैंक खुलता है तो हम आपका ओपन कर देंगे। तो अभी हम जा रहे हैं, मेरे साथ नितिन भाई भी हैं और लाला जी भी हैं अपने और शिवा भी है, हम चारों ही जा रहे हैं ऐसे। तो चलते हैं फिर बैंक, देखते हैं क्या सीन है। लट्टू है, बहुत ही सुंदर कंट्री है ये, बहुत ही खूबसूरत। तो बैंक हमारे पास में ही है, लगभग वही है, सिटी सेंटर में ही है, 8 से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है। तो सारा कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है सारा कुछ, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। सो हम बैंक पहुंच गए हैं, ये जो आपको लोगो दिख रहा है ना आगे ऑरेंज वाला, ये बैंक का लोगो है। सो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है, क्या बताते हैं अब कब तक आएगा। आई थिंक अब फिर उसे 4-5 दिन का टाइम लगेगा। सो देखते हैं क्या है। ये उधर ATM है। ये तीनों बैठे हैं, इनका अपॉइंटमेंट चल रहा है इनका काम, क्योंकि यहाँ पे 3 ही बंदे थे, तो इनका 3, मैं अभी वेटिंग में हूँ, इनके बाद फिर मेरा होगा। सो ये इनका सारा ऑफिस है। सो ये बैंक वाले कह रहे हैं कि आपका अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो गया है, सो आपका नेक्स्ट वीक में भी आपका सारे बैंक कार्ड एंड अकाउंट नंबर जो भी सारा मटेरियल है वो आपका डिलीवर्ड हो जाएगा। सो बैंक ओपन है ऑलरेडी, बट हमें किसी ने बताया था कि आपके पास रजिस्ट्रेशन हुआ है, बट हो गया था अकाउंट ओपन, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी अभी इन्होंने चेक किया अपने सिस्टम में और बताया। सो अभी इनसे पूछ रहे हैं कि यहाँ भी हमें बैंक अकाउंट नंबर वगैरह कोई एक स्लिप दे दो जिस पे बैंक अकाउंट IFSC कोड जो भी हो वो लिखा हो। तो देख रहे हैं, ये बोले ठीक है, हम अभी देखते हैं, अगर यहाँ पे होता है पॉसिबल तो मैं आपको प्रिंट दे देता हूँ। Like you always want stress, 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 like you always want st
बैक टू द रूम, योर करेंट अकाउंट हैज बीन ओपनड। सो भाइयों जो है मेरा अकाउंट तो ओपन नहीं हुआ था पहले, मतलब कुछ कोई प्रॉब्लम थी, कोई मिस्टेक थी, कुछ समथिंग बताया कि कोई कुछ इनकरेक्ट था। सो मेरा उन्होंने अभी ओपन कर दिया है, और जो हमारे पाजी हैं उनका ऑलरेडी ओपन था, उनको बोल दिया कि आपका नेक्स्ट वीक में जो है वो कार्ड वगैरह ATM पिन सारा कुछ वो आपका डिलीवर्ड हो जाएगा। और मेरे में कुछ प्रॉब्लम थी तो यहाँ पर उन्होंने अभी अपडेट कर दिया वो, और साथ के साथ ना उन्होंने मेरा बैंक अकाउंट IBIN मतलब अकाउंट नंबर मेरा भी आ गया है, बट उन्होंने अभी साथ के साथ कर दिया अपडेट। और मेरा भी अब जो बैंक कार्ड वगैरह ATM जो भी आएगा वो नेक्स्ट वीक विदिन 4 to 5 वर्किंग डेज में वो डिलीवर्ड हो जाएगा। सो बैंक का जो स्टाफ था बहुत ही हेल्पफुल था, बहुत अच्छे से बात करी, और चाय लोगे कॉफ़ी लोगे कुछ सारा कुछ उन्होंने ऑफ़र किया। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत हेल्पफुल थे, बहुत अच्छे से बात करते हैं। इंडिया की तरह नहीं है, इंडिया स्टेट बैंक में जाओ और वो बोलते हैं लंच के बाद आना, अकाउंट खुलवाने में भी जाते हैं तो इतने दिन लगा देते हैं बहुत ज़्यादा, और चाय कॉफ़ी की तो बात ही मत करो, उल्टा हमें उनको देना पड़ता है, बोले सर कुछ चाय कॉफ़ी ले लो, कुछ चाय पानी जो भी लेना हो बट हमारा ये काम कर दो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छा हेल्पफुल लोग हैं, मतलब एकदम अच्छे से काम करते हैं। और बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं ये आपका BSN नंबर, जो यहाँ का मतलब मान लीजिए एक तरीके से टैक्स नंबर होता है, एक टैक्स ID होती है वो यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे आप नीदरलैंड की गवर्नमेंट में आप रजिस्टर्ड हो, आप यहाँ पे रहते हो, उसमें आपका होम एड्रेस होता है, आपका BSN नंबर टैक्स नंबर होता है जो कि जहाँ भी आप जॉब करोगे तो वहाँ पे टैक्स अपने जो टैक्स कटता है सो वो नंबर होता है, और आपकी ID मांगते हैं या आपका पासपोर्ट, और बैंक अकाउंट खुल जाता है। और उसके बाद फिर और विदाउट बैंक और विदाउट BSN के आपको यहाँ पे कोई जॉब भी नहीं देगा। सो जॉब के लिए जो भी यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सो और जॉब की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास स्किल्स हैं ना तो आपको बहुत यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं। सो व्यू देखो मेरा साइड में कितना अच्छा व्यू है, साइड में एक छोटी सी कैनल कनाल चल रही है, और इधर पार्क सा है देखो, बहुत ही अच्छा बहुत ही बेहतरीन, इतनी मतलब सुंदरता की मैं बात करूँ तो बहुत ही बेहतरीन सिटी है ये, और यहाँ की सारी सिटी ऐसी हैं, लोग भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस कंट्री का। सो आगे देखते हैं कोई और टॉपिक पे कि नीदरलैंड कैसे आ जाए, स्टडी वीज़ा वर्क परमिट क्या क्या सीन है, सो उन पे वीडियो बनाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देता हूँ, देखिए ये साइड में छोटी सी कैनाल, और इधर ही सोसाइटी, ये रास्ते हैं इधर, मतलब बहुत ही सारा एकदम इतना सिस्टम में कर रखा है ना इन्होंने। साइकिलिंग ट्रैक जो है यहाँ पे वो अलग है, बाकी जो कार्स वगैरह के लिए हैं रोड वो अलग है, और जो वॉकिंग ट्रैक है वो अलग है। साइकिलिंग तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, हर बंदे के पास अपनी पर्सनल साइकिल है, चाहे वो कितना ही अमीर हो कितना ही गरीब हो, तो यहाँ पे वो मैटर नहीं करता, हर बंदा यहाँ पे साइकिलिंग करना पसंद करता है। और बहुत से तो मतलब बहुत से क्या, अगर हम बात करें सो आई थिंक 90% लोग यहाँ पे जॉब्स वगैरह जो करते हैं वो साइकिल पे जाते हैं।